हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में कई मैजिशियन देखे होंगे किसी टीवी शो में या फिर अपने आसपास मैजिक करते हुए, लेकिन सबके दिमाग में ये सवाल होता है कि ये मैजिशियन मैजिक कैसे करते हैं। कई मैजिशियन तो कहते हैं कि ये सब भगवान की देन है, लेकिन ये कोई भगवान की देन नहीं बल्कि हाथों का कमाल होता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये बड़े मैजिशियन मैजिक करते कैसे हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर एक, द वो एंड एरो ट्री। ये है मशहूर मैजिशियन एरन क्रो। ये अपने डेंजरस ट्रिक के लिए जाने जाते हैं। एरन ने पहले दो जज को बुलाया और इस जज को अपने हाथ आगे करने को कहा। उसके बाद उसने हाथ से एक रिंग निकाली, उसके बाद उसने एक एप्पल को निकाला और उसके सेंटर में एक हॉल किया। उस हॉल में रिंग को डालकर सुराख को बंद कर दिया और उस मैजिशियन ने दूसरे जज को उसके पीछे खड़े रहने को कहा। उसके बाद मैजिशियन ने टारगेट को शूट किया और उस टारगेट बोर्ड पर से तीर में से वही रिंग निकलती है जो उसने एप्पल में रखा था। उसने ये कैसे किया, चलिए बताते हैं। असल में एरन ने कोई तीर शूट ही नहीं किया था, जो भी आपने देखा वो महज हाथों का कमाल था। ये सारी चीजें अलग अलग हैं, जिसे सही टाइमिंग पर सेट करके परफॉर्म किया गया है। तीर को दागना, एप्पल के दो टुकड़े करना और टारगेट पर तीर को शूट करना, ये सब टेक्निक का कमाल है। इस तीर कमान में ही सीक्रेट छुपा है। इस तीर कमान में ही सीक्रेट छुपा हुआ है। असल में इससे तीर निकलता ही नहीं है, बल्कि उसी में लगे एक मैकेनिज्म की मदद से तीर वहीं पर राउंड हो जाता है। और जो ये लेजर लाइट है, ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए काफी है। देखने पर लगता है कि मानो एरन ने सच में तीर चलाई हो। अब बात करते हैं टारगेट बोर्ड की। दरअसल इस बोर्ड में पहले से ही एक तीर फिट किया गया था और इस काले कपड़े के पीछे तीर को एक स्प्रिंग की मदद से बाहर रिलीज किया जाता है, जिसे देखने में लगता है यहाँ सच में तीर शूट किया गया हो और इसे एक रिमोट की मदद से चलाया जाता है। अब बात करते हैं इस रिंग की। तो क्या ये रिंग फेक है? नहीं, ये वही रिंग है जो जज ने पहनी थी। तो ये रिंग वहाँ गई कैसे? इसका जवाब उस एप्पल में है, जिसमें उस मैजिशियन ने सुराख किया था। मैजिशियन बड़ी ही चालाकी से एक सिरे से रिंग को डालता है और दूसरे सिरे से रिंग को निकाल लिया और उसने अपने पास ही छिपा लिया। और जब अपने टारगेट को सही पोजीशन में रख रहा था, उसी वक्त उसने रिंग को वहां पर फिट कर दिया। अब बात करते हैं कि वो एप्पल दो टुकड़ों में कैसे बट गया। तो इसका जवाब उस ट्रे में है जिसपे एप्पल रखा गया था। यहाँ पर भी एक स्प्रिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है, जिसपे रिमोट की मदद से लॉडेड नाइफ को रिलीज किया जाता है, जिससे वो एप्पल दो टुकड़ों में बट जाता है। नंबर टू, द अपेयरिंग बियर ट्रे। डम चैम्बर ने अमेरिकन गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया था और अपने इस परफॉर्म से सबको हैरान कर दिया था। इस ट्रिक में डॉम ऑडियंस को एक खाली पेपर दिखाते हैं, लेकिन उस पेपर में से वह बियर के कई गिलास निकालते हैं और फिर वह पेपर में से छोटी बोतल निकालकर बड़ी बोतल में बदल देते हैं। अब बताते हैं कि उन्होंने किया कैसे। आपको बता दें, स्टेज में रखे टेबल के बिना इस ट्रिक को करना नामुमकिन है। ये एक हिडन सेल्फ है जिसके अंदर मैजिशियन ने बियर के ग्लास को रखा था और कुछ बोतल को अपनी जैकेट में, और सही वक्त पर वह बोतल को बाहर निकालता है। सोचने वाली बात यह है कि उसने किया कैसे, वह ग्लास को पेपर में लाया कैसे। इस ट्रिक में पेपर को पीछे से कट किया गया था, लेकिन सामने से ये बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देता है। बड़ी चालाकी से मैजिशियन ने अपने हाथों को बैग में डाला और उसके कटे हुए हिस्से के जरिए अपनी पॉकेट से बोतल को निकालता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा। दूसरी ट्रिक में वह छोटी बोतल को बड़ी बोतल में कैसे बदल देता है। ध्यान से देखिए, अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि उसके हाथ में पहले से ही एक छोटी बोतल है, लेकिन उसने लोगों का अटेंशन बैग की तरफ रखा और बड़ी ही चालाकी से उसने अपनी लेफ्ट साइड की पॉकेट से छोटी बोतल को बड़ी बोतल में बदल दिया। नंबर थ्री, स्पून बेंडिंग ट्रिक। दोस्तों, इस ट्रिक में मैजिशियन एक स्पून लेता है, फिर उस स्पून को देखते देखते अपनी आंखों से मोड़ देता है। मैजिशियन का कहना है कि वो ये सब अपने दिमाग से करता है। अब जानते हैं उसने इसे कैसे किया। दरअसल मैजिशियन पहले से ही एक मुड़ा हुआ चम्मच अपने हाथ में रखता है। उसके हाथ में चम्मच का पीछे का हिस्सा भी रहता है। दोनों को इतनी सफाई से अपने हाथ में रखता है मानो ये चम्मच एक ही हो।
और स्टेज पर मैजिशियन चम्मच को आराम आराम से नीचे की ओर करता है, मानो अपने माइंड से कर रहा हो। फिर बड़ी ही चालाकी से चम्मच के कटे हुए हिस्से को अपनी जैकेट में छुपा लेता है और मुड़े हुए चम्मच को दिखाकर दर्शकों को विश्वास दिखाता है कि ऐसा उसने अपने दिमाग से किया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।